हेलो फ्रेंड्स, आज अपनी क्लास आपके लिए लेकर के आई है 10th क्लास की मैथ्स के ऊपर एक मॉडल टेस्ट पेपर, और जो मेनली यूपी बोर्ड के फॉर्मेट पर बेस्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ये है यूपी, एमपी, राजस्थान, सीबीएसई, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी जगह पर जो मेन सिलेबस है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आधारित है, तो उसी पाठ्यक्रम पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस को समझते हुए भी चलेंगे, जिससे कि जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, किसी कारणवश नहीं कर पाए, इस साल वैसे भी सारे लोगों के लिए बहुत कठिनाई रही है कोविड-19 की वजह से, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कशन और हल करते हुए चलेंगे। साथ में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, उस पर भी मैं रोक दिया करूंगा, तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ हो जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 100 अंकों का प्रश्न पत्र है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कुल 30 प्रश्न हैं। ये जो फॉर्मेट है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाता है यार, बाकी तो कोई बदलता नहीं है, समझो ना, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिलेबस है वो सेम है। तो हो सकता है भाई किसी की जगह पर 1-6 तक यहाँ पे अति लघुत्तरी हैं, वहाँ पर 1-10 अति लघुत्तरी हों, इतना ही डिफरेंस होता है, समझ रहे ना, वो जो स्ट्रक्चरिंग है वो बदल जाती है, बाकी बहुत कुछ नहीं बदलता। कुछ जगह पर अति लघुत्तरी की जगह बहुविकल्पी आ जाते हैं, सीबीएसई में भी आने लगे हैं, ठीक है, बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इतना ही अंतर होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हैं, वही आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, क्योंकि गणित और विज्ञान बिल्कुल क्रमबद्ध विषय हैं। कैसे विषय हैं? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक, तो अगर आपने उस सिस्टमेटिक सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा हुआ है तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। इस पर अपने चैनल पर अभी शुरू के 4 चैप्टर के वीडियोस पड़े हुए थे, फिर मैं दूसरे विषय पढ़ाने लगा था, तो उन 4 चैप्टर्स में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं। तो आगे चलते हैं, पहला सेक्शन है 1-6 तक की बात किसमें कर रखी है, हम लोगों का अति लघुत्तरी है, ठीक है, एक एक प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, दूसरे में 7-12 यानी कि ये भी 6 प्रश्न है, हर 2 अंक का है, तो ये कितने अंक हो गए, 6 अंक के, ये कितने हो गए, 12 के। फिर 13-22 यानी कि 10 प्रश्न है, 3 अंक का, यानी कि कितने का हो गया, 30 का। फिर 23-30 यानी कि 8 प्रश्न है, और हर एक कितने का है, 4 का, यानी कि 32, तो 32 और 30 62, और 12 और 6 18, तो 62 और 18 कितना हो गया, 80, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, तो जो टोटल पूर्णांक है वो यहाँ पर इस एग्जाम के लिए 80 होगा। ये हम लोगों ने पहली गलती पकड़ ली अपनी क्लास की ही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसने भी ये पेपर फर्स्ट टाइम बनाया उसको मैं एक डांट लगाऊंगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, होता क्या है, 1-6 एक अंक का है, पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में एक्स वाई जो है वो क्यू आर के समानांतर है, पैरेलल है, तो एक्स वाई आपकी ये रही, क्यू आर आपकी ये रही, ठीक, एक दूसरे के समानांतर हैं, और पी क्यू अपॉन एक्स क्यू, पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू इतना है, और एक्स क्यू कहाँ पर है, एक्स क्यू आपका इतना है, इसका अनुपात 7/3 है। अच्छा, और क्या दे रखा है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना गणित में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसी और विषय में जितना महत्वपूर्ण होता है उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि गणित में जो प्रश्न है उसी में उत्तर दिया होता है भाई, आपको क्या करना होता है, ढूंढना होता है खाली, तो अगर आपने प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ा तो कर दोगे गलती, है ना। यहाँ पर क्या, वहाँ पे तो आपको बाकी विषयों में इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो आप अलग से लेकर के आ रहे होते, यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना होता है, ठीक है, कुछ थ्योरम्स इनका प्रयोग करना होता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, पी क्यू और क्यू एक्स क्यू का आपको अनुपात दे रखा है, तो इतना बटे इतना, ये कितना है, 7/3। अच्छा, और पी आर आपका 6.3 सेंटीमीटर है, पी आर कितना है, 6.3 सेंटीमीटर, तो वाई आर का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको नहीं समझ में आए वो लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि काम आपका दूसरे तरीके से भी चल जाएगा, ऐसा कुछ बना हुआ था अपना, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख दें और सिर्फ इतनी जो दूरी है उसको 3 सेंटीमीटर लिख दें, है ना। अब एक बात समझो, 7/3 का मतलब ये नहीं होता कि ये 7 सेंटीमीटर हो या 3 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी का मतलब कोई और हो सकता है, कुछ ऐसी संख्या हो, ये 7.3 हो, है ना, कोई मतलब 7.7 हो, ये 3.3 हो जाएगी, तब भी इनका अनुपात उतना ही रहेगा। तो हमें अनुपात जब दिया होता है ना, तो हम यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं, जो पूरी तरह से ठीक नहीं है, हमारा उत्तर निकल करके उससे भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर अनुपात नहीं बदला, 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का अनुपात कितना है, 7/3, लेकिन 7.7/3.3 यानी कि 7/7/3.3 का अनुपात कितना है, ये भी 7/3 है, ठीक। अच्छा, तो जब ऐसा कुछ है तो इस वजह से क्या करना चाहिए अपने को, समझ में आपको आ रहा है, कि ऐसे में आपको समझना चाहिए
अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर 1.1 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको 1.1 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7/3 अभी भी रहा। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में नहीं लिखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि 7 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, अगर लिख करके काम चला देंगे जैसा कि हमारे सॉल्यूशन में किताब में यही चीज़ दे रखी है कि 7 सेंटीमीटर मान लिया, इसको 3 सेंटीमीटर मान लिया, तब भी उत्तर आ जाएगा। लेकिन वास्तव में जिन लोगों को गणित की अच्छी समझ बनानी है उनको समझना चाहिए कि जरूरी नहीं कि 7 सेंटीमीटर हो या 3 सेंटीमीटर हो। खैर, ये तो हमारे साइड वाला ज्ञान हो गया। अब जैसे अपने को प्रश्न हल करना है वो देख लेते हैं। कोई भी एक चुटकी का खेल है, क्या होता है जब ये समानांतर होती है रेखाएं, तो ये अनुपात और ये इस रेखा का अनुपात, साथ ही ये और इस रेखा का अनुपात, तो ये बराबर होता है, यानी कि पी एक्स अपॉन एक्स क्यू जो है वो आपका पी वाई अपॉन वाई आर के बराबर होगा, साथ ही पी क्यू अपॉन एक्स क्यू जो है वो आपका पी आर अपॉन वाई आर के बराबर हो जाएगा। ये कहाँ से आता है? ये थेल्स की प्रमेय से आता है। कहाँ से आता है? थेल्स की प्रमेय यही है। अब आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर आपको समस्या आएगी। कुल मिलाकर के अपने को आंसर देना, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू दे रखा है, ये आपको दे रखा है, कितना है ये आपका 7/3, कितना है पी आर 6.3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख दो पूरा। और वाई आर आपसे पूछा गया, वाई आर का मान नहीं पता, नहीं पता तो हम एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स आपको निकालना है तो एक्स आपका इधर जाएगा और 3 इधर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर इंटू 3/7, ठीक, 7 नेम 63 लेकिन दशमलव लगा हुआ है तो 0.9 हो जाएगा, तो 0.9 में 300 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर एक्स का मान आ गया, यानी कि वाई आर आपको मिल गया कितना 2.7 सेंटीमीटर। यही उत्तर यहाँ पर इन्होंने निकाला हुआ है। इनके में छोटी सी जो कॉन्सेप्चुअल गलती थी उसको हम लोगों ने ठीक कर लिया। हालांकि इतना भी करके आओगे तो यहाँ पर 10th क्लास के जो टीचर्स हैं वो आपको मार्क्स तो दे ही देंगे। दूसरा ये प्रश्न है सर्व समीका का आइडेंटिटी का। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी आपकी पहचान नहीं, सर्व समीका मतलब सर्व समीका ऐसा होता है कि जिसका मान हमेशा ही फिक्स, या जो भी एक ऐसी इक्वेशन जो हमेशा ही बराबर हो, तब तो जब हमेशा बराबर नहीं होती तब उसको इक्वेशन बोल देते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है। सर्व समीका में क्या होता है कि हमेशा आपका LHS RHS के बराबर होगा। जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि एक त्रिकोणमितीय सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसी तरह से एक और है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर एक। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी पूरे में ब्रैकेट लगा दिया गुणे ए माइनस बी। अब ए की जगह यहाँ पर सेक थीटा था तो उसको ए लिख दिया, बी की जगह टेन थीटा है उसको टेन थीटा लिख दिया। बस यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस की बात है ना, ये महत्वपूर्ण, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, और ये किसके बराबर है, एक। ये इसके बराबर एक क्यों है? क्योंकि यही तो आइडेंटिटी है, ये सर्व समीका है। अब यहाँ से हमने क्यों स्टार्ट किया, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा क्यों किया मैंने, मतलब ये कहाँ से आया, क्या मुझे ऐसा जन्मजात आ गया? ये जन्मजात नहीं आया, ये आता है प्रैक्टिस से। ये इतना ज़्यादा आसान है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस की है तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि इसको इस तरह से करना है ना। नहीं तो आप बहुत ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह की चीज़ें समस्याएं होती हैं कि आपको कई बार समझ में नहीं आता कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, और उसका एक ही समस्या ये है कि आप प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आ जाता है कि क्या रास्ता आपको पकड़ना चाहिए। तरीके और भी होंगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा, ठीक। अच्छा, अब क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना दे रखा है, 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे कितना हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये किसके बराबर है, एक, क्यों, ये तो होता ही है, ये पूरा का गुणा जब आपका एक के बराबर होता है, इसी को तो तोड़ करके लिख दिया था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को sec थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा, ये लिखा हुआ है। अब sec थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालेंगे तो जो 7 से इधर गुणा हो रखा है ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/7, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 1/7। ऐसा ही कुछ है क्या, देखिए सही है, इन्होंने भी वही किया जैसा कि हम जानते हैं। ये कहाँ से जाना, प्रैक्टिस से जाना, आपने जब पढ़ाई की थी तब आपने जाना था कि एक तरह की सर्व समीका है। अच्छा, सेम चीज़ इन्होंने की हुई है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों, एक ये समीकरण है आपका और ये समीकरण है, ये तीसरा चैप्टर हुआ करता था आपका, कि युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 अगर है, और a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 अगर है। ये क्या है, ये दो समरैखिक समीकरणों के स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ऐसी हो तो इसका कोई भी हल कब नहीं होता है, जब a1 upon a2 बराबर b1 upon b2
इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, अगर बराबर हो जाएगा तब तो संपाती रेखा में हो जाएंगी, दोनों ही समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करेंगे, ठीक है। और जब बराबर ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, समानांतर रेखा हो जाएंगी। अब समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो जब काटेंगे ही नहीं तो हल नहीं होगा, क्योंकि जिस बिंदु पर काट रही होती है वही इनका हल हो जाता है। ये हम लोगों ने ग्राफी विधि में बहुत डिटेल में देखा है, तो बस फटाफट कर दो। यहाँ पर a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, तो 4 बटे 2 बराबर होना चाहिए कितना b1 कितना है -3, और b2 कितना है वो है क्या आपका। अब आपको इज नॉट इक्वल टू 9/11 इसको करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपको तो k का मान पूछा गया, वो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो k कितना हो जाएगा, k को आप इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, k बराबर -3 गुणे 2 बटे 4, 2 दूनी 4, ये आपका मान आ गया यहाँ से, k बराबर -3/2 हो गया, ठीक। इन्होंने भी देख निकाला यही है ना, यानी कि हम लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए। अगला प्रश्न क्या है, एक समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आपको याद होना चाहिए, फिफ्थ चैप्टर हमारा हुआ करता था, क्या होती है, अच्छा उसमें a21 - a7 यानी कि 21वें पद से अगर आप 7वां पद घटाते हो तो 84 आ जाता है। और सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर को हम लोग नॉर्मली d से निरूपित करते हैं, और हमारा यहाँ पर nवे पद क्या होता है, nवा पद होता है an बराबर a1 + n-1 times d, वहाँ जहाँ पर d आपका सार्व अंतर है, a1 आपका पहला पद है और an nवां पद है। अच्छा तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि a21 क्या होना चाहिए, a21 होना चाहिए a1 + n-1, तो n का मतलब क्या होगा 21, तो 21 - 1 गुणे डी। अच्छा और a7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a1 + 7-1 times d। अच्छा ये है कितना, घटा दिया तो a21 से a7 घटाया कितना दे रखा है 84 लिख लिया, किसके बराबर है, a1 से a1 घटाया तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 21 से 1 गया तो कितना बचा था 20d, तो यहाँ पर क्या बचा था 20d - 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6d, तो क्या हो गया यहाँ से, यहाँ से हो गया आपका 14d = 84, तो 14 * 84 होता है कि नहीं होता है, आपने पहाड़े याद किए बचपन में कि नहीं किए, तो यहाँ से आपका उत्तर आ गया 6। अगर पहाड़े नहीं भी याद किए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ डी कितना हो जाएगा 84 / 14 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा तो याद होगा, 2 * 7 = 14, 2 * 4 = 8 और 2 * 2 = 4, अब 7 का पहाड़ा तो याद होना चाहिए 7 * 6 = 42, तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक आ गया। अच्छा बस मजे मजे का खेल है, एक एक नंबर के प्रश्न है करते चले जाओ, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर भी सही उत्तर निकाल दिया है ना। अच्छा अब अगला प्रश्न आता है, ये क्या है, यदि 30 मीटर ऊंची मीनार, अच्छा भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण को जो लोग इंग्लिश के बच्चे हैं वो बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है ये, आप यहाँ पर सूरज मामा है और आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपको मान लेते हैं कि आप जमीन पर ही हो, जमीन से जब आप इसको देख रहे होते हो जो कोण बन रहा होता है समतल से धरातल से उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, थीटा, और ये थीटा क्या हो जाता है आपका उन्नयन कोण। अच्छा कुछ बच्चों के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसे हम लोगों ने बनाया हुआ है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग ऐसा करके खड़ी है, ठीक ये बिल्डिंग है, तो यहाँ से कोई अगर देख रहा है, कहाँ से कोई देख रहा है, अगर कोई यहाँ से देख रहा है इस बिल्डिंग को, तो ये वाला कोण आपका हो जाएगा उन्नयन कोण, ठीक यही तो चीज़ हुई। और ये वाला जो कोण है कौन सा, यानी कि जहाँ बिल्डिंग का टॉप है वहाँ से कोई नीचे देख रहा है और वहाँ पर अगर हम लोग धरातल लाइन के समानांतर लाइन खींच दें तो उससे बनने वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, उसका नाम होता है अवनमन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं। और वास्तव में आप देखो ये थीटा और ये अल्फा हो तो थीटा और अल्फा क्या हो जाएंगे एकांतर कोण, और ऐसी स्थिति में क्योंकि दोनों समानांतर रेखा है तो एकांतर कोण क्या हो जाते हैं समान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों हो जाएंगे समान। जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं समझ में आया उसने मैथ्स की पढ़ाई बिल्कुल भी ठीक से नहीं की, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब दे रखा है उसको बना देते हैं, क्या दे रखा है अपने को, दे रखा है 30 मीटर ऊंची मीनार, ठीक बना दिया। और क्या करती है ये मीनार जो है वो शैडो कास्ट करती है, शैडो कास्ट करना थोड़ी बहुत इंग्लिश में सीख जाओ, शैडो कास्ट करने का मतलब क्या हुआ, जो छाया पड़ती है ना। मैं तो हिंदी मीडियम से था फिर बेट्स प्लान ही गया तो सीखनी पड़ गई इंग्लिश, आप पहले ही सीख लो है ना, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती थी, थोड़ा शर्म भी आया करती थी, तो वो आपको ना करना पड़े। ये कितना हो जाएगा आपका 10√3, ये क्या है छाया पड़ रही है यहाँ पे, और ये आपकी मीनार है।
कुतुब मीनार नहीं है क्योंकि वो इससे ज़्यादा ऊंची है, ये 30 मीटर की आपकी मीनार है। अच्छा, अब इसका मतलब पूछा क्या गया है कि उन्नयन कोण क्या है, किसका, सूरज यहाँ कहीं होगा तभी तो ऐसी हो रही है कि सूरज की जो परछाई है वो यहाँ वाली पूरी परछाई छिप जा रही है इसीलिए इसकी छाया यहाँ पे बन रही है, ये आपकी छाया हो गई, ठीक। और ये छाया कितनी है, 10√3 मीटर, ये कितनी थी 30 मीटर। तो ये वाला जो कोण है इस कोण को हम लोग बोलेंगे थीटा, यही हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है, ये क्या है, अगर ये इस वाले एंगल से देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, लंब हो जाएगा। तो लंब और ये क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब बटे आधार को निरूपित करता है, टैन, भूल गए, लाल बटे कका, ये आपका हो गया साइन, ये आपका हो गया कॉस, और एल अपॉन ए, एल मतलब लंब, ए अपॉन मतलब आधार। तो ये क्या हो गया, आपका लंब बटे आधार टैन निरूपित करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ से जब टैन निरूपित कर देता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो भी कोण होगा वो टैन थीटा हो जाएगा। टैन थीटा अगर मान लीजिए हमने इस कोण को थीटा माना हुआ है तो आपका लंब कितना है 30 मीटर और आपकी जो छाया है वो कितनी है 10√3 मीटर, मीटर से मीटर उड़ गया, 10 से 3 उड़ गया, कितना हो गया 3, तो 3√3 यानी कि 3 में आप √3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका √3। अच्छा, तो टेन थीटा का मान आ गया है √3, और जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है उनको पता होगा कि ये तो टेन 60 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब टेन 60 डिग्री बराबर टेन थीटा अगर है तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, ये भी प्रश्न हो गया। अब हम लोग देखिए सब कुछ सही कर रहे हैं हम लोग, भाई 100 out of 100 लेकर के आएंगे। मेरे 9th में जब 10th क्लास में था तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलते थे, यूपी बोर्ड से था मैं, तो मेरे 97 मार्क्स आए थे। फर्स्ट पेपर में 49 आया था, सेकंड पेपर मेरा 48 आया था, जबकि सेकंड पेपर में मेरा 100 आना चाहिए था, पहले दो पेपर हुआ करते थे, सॉरी मतलब 100 तो नहीं आना चाहिए, सेकंड पेपर में 50 आना चाहिए था, पता नहीं कहाँ पे मार्क्स काट दिए टीचर ने, मैथ्स में कुछ गलती होती नहीं यार, 10th क्लास की मैथ्स एकदम खेल होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, 900 सेबों के एक ढेर में से याद्रक्ष्या, ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट हिंदी शब्द, याद्रक्ष्या मतलब कोई देख के नहीं बताया गया, देख करके नहीं कुछ किया गया, अपने आप ऐसे एट रैंडम किया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट रैंडम। गांव वगैरह में कभी कुछ लोग बोलते हैं एट रैंडम होएगा भैया, एट रैंडम का मतलब क्या होता है कि वो एट रैंडम को एट रैंडम बोल देते हैं, तो बहुत सारे इंग्लिश शब्दों को हम लोग एज इट इज यूज करना स्टार्ट कर देते हैं हिंदी में, तो एट रैंडम का एट रैंडम मतलब याद्रक्ष्या। एक सेब चुनने पर सड़ा हुआ सेब निकलने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, क्या है ये प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, वो कितनी है, 0.18, भाई साहब यानी कि बहुत ज़्यादा सड़े हुए सेब हैं इसमें, क्यों, 0.18 का मतलब क्या हुआ, 18% सड़े हुए सेब हैं। ढेर में सड़े हुए सेबों की संख्या क्या है, मैंने इतना आसान कर दिया आप लोगों के लिए, पहले 18% बता दिया, यानी कि जब प्रायिकता, देखो है क्या, कहीं पर सेब रखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, आपने उसमें बिना कुछ देखे ऐसे करके हाथ डाला और एक सेब निकाला, वो सेब सड़ा हो सकता है, इसकी प्रायिकता 0.18 है यानी कि 18% है। तो पूछा जा रहा है कि 900 सेब अगर टोटल थे ढेर में तो कितने सड़े हुए सेब हैं, तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है भाई, मान लो कि जितने भी सेब अगर सड़े होते हैं, मान लेते हैं कि एक्स सेब सड़े हुए हैं और कुल सेब कितने हैं 900, तो यानी कि सड़े हुए सेबों की संख्या में आप कुल सेबों की संख्या से भाग दोगे तभी तो आपको प्रायिकता मिलेगी, और वो कितनी है 0.18, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर क्या हो जाएगा, 0.18 में आप गुणा करोगे 900 से, तो आपका आ जाएगा 18, ये पॉइंट उड़ जाएगा, 2 दशमलव है तो ये दोनों जीरो उड़ जाएंगे, 18 ने 162, तो आपके सेबों की संख्या आ जाएगी 162, आ गई आ गई। अच्छा, सेक्शन बी को हम लोग देख लेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग समझते हुए चल रहे हैं तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, सारे प्रश्नों को ऐसे मजे में करते हुए चलेंगे यार। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिविजन वीडियोस, साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, ये पूरी सामग्री सर्वश्रेष्ठ सामग्री मात्र 2400 रुपए में। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय तक।